हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल पॉल्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे मोस्टली डिलीशियस माउथ वाटरिंग आलू टिक्की चाट। आइए हम लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगे मटर का सब्जी, गोलगप्पा पापड़, इमली पल्प, मसाला, बॉइल्ड मैश पोटैटो, चॉप्ड ओनियन, धनिया पत्ता, दही और सेव। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बॉइल्ड आलू से टिक्की बनाएंगे। तो आलू को थोड़ा सा पास्ता मसाला और नमक डाल के उसको मिक्स कर लेंगे अच्छा से। फिर मिक्स कर लेंगे, फिर टिक्की का सेप देकर हाथ में ऐसे लेके गोल गोल हम लोग टिक्की का अच्छा से सेप देंगे और एक एक करके बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे। अभी पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, रिफाइंड ऑयल आप लोग डाल सकते हैं थोड़ा सा। उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड कर लेंगे और स्प्रेड करके उसमें टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप जो इमली पल्प बनाएंगे और कर्ड का जो मिक्स करेंगे कर्ड को, उसमें आप लोग थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून शुगर और काला नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अभी देखिए आपका टिक्की रेडी हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी इसको हम लोग एक प्लेट में उतार लेंगे। अभी ये देखिए जो गोलगप्पा पापड़ है, ये मार्केट में ऐसे मिलता है, अब आप लोग खरीद कर इसको फ्राई कर सकते हैं, तो आपको रेडीमेड गोलगप्पा पापड़ मिल जाएगा। अभी हम लोग बनाएंगे चाट। देखिए ऐसे जो मटर का सब्जी है उसको प्लेट में ले लेंगे हम लोग। अभी जो टिक्की बनाए थे हम लोग, उस टिक्की को चाट इसके मटर के सब्जी के ऊपर हम लोग ऐसे डाल लेंगे। फिर उसके ऊपर जो चॉप्ड ओनियन रखे थे उसको डालेंगे। चॉप्ड ओनियन के ऊपर हम लोग फिर इमली का चटनी लेंगे। इमली का चटनी लेके उस पर डाल देंगे और फिर उसके ऊपर जो गोलगप्पा पापड़ था उसको तोड़ के अच्छे से उसको ऊपर डाल दीजिए। फ्रेंड्स, तो आप ये गोलगप्पा पापड़ ऊपर दे देंगे तो इससे आपका डिश क्रंची बनेगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी जो दही बनाए थे उसको ऊपर में डाल देंगे। फिर उसके ऊपर सेव अच्छा से उसके ऊपर डाल दीजिए, सेव डाल देंगे। अभी फ्रेंड्स देखिए चाट मसाला लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे। फिर हम लेंगे जो धनिया पत्ता काट के रखे थे उसके ऊपर हम लोग स्प्रेड कर देंगे। सो आपका डिलीशियस चाट आलू टिक्की चाट रेडी हो गया। अभी आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस डिलीशियस चाट का मज़ा ले सके और एंजॉय कर सके।